दोस्तों नमस्कार, मैं आरवी वर्मा मोटिवेशन स्पीकर आज आप लोग के बीच बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को ध्यान लगाकर सुनिएगा क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। वीडियो स्किप मत करिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की ये जो वीडियो है, एक चिंतित दुखी कौवे की कहानी है जो कि वो अपने ज़िंदगी से बहुत ही परेशान रहता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी समय पहले एक बार की बात है, एक कौवा बहुत चिंतित और दुखी रहता था। वह अपने ज़िंदगी से बहुत ही परेशान और हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। वह तो दुखी रहता ही था और उसके इस व्यवहार से आसपास के पक्षी भी उदास और दुखी हो जाते थे। उस कौवा के दुख का कारण, उस कौवे का चिंता का कारण उसके शरीर का काला रंग। वह अपने काले रंग से बहुत दुखी था, बहुत ही चिंतित था। वह सोचता था कि काफ़ी पक्षियां कितने सुंदर हैं, सबके कितने अच्छे रंग हैं, लेकिन भगवान ने मुझे ही रंग काला क्यों दिया। उसकी यह सोच बहुत दुखी और चिंतित कर देती थी। एक दिन एक पेड़ पे कौवा बैठकर चिंता के मारे रो रहा था। तभी उसी समय एक ऋषि महाराज आ रहे थे, तो उसके रोने के जो आंसू है ऋषि महाराज के ऊपर टपक जाता है और ऊपर देखते हैं तो पूछते हैं कौवा से, कौवा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो कौवा बोला, अरे महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं और आपको बताना पड़ेगा। कहे, चलो ठीक है, तुम्हारी मनोव्यथा हमको पता चल गया कि तुमको क्या दिक्कत है। तुम्हारी परेशानी और चिंता का कारण है काला रंग, काले रंग से तुम परेशान हो। तो बताओ तुम किस रंग को पसंद करते हो, हम अपनी तपोबल से तुम्हारे रंग को मनचाहा रंग बना देंगे। तो कौवा काफी सोचने के बाद बोला, मुझे सफेद रंग बहुत अच्छा लगता है, मुझे हंस के जैसा सफेद रंग का बना दीजिए। ऋषि महाराज जी बोले कि एक बार तुम पहले हंस से पूछ तो लो कि वो अपने रंग से खुश है कि नहीं। कौवा हंस के पास गया और बोला कि आप तो बहुत खुश रहते होंगे, आपका कितना अच्छा रंग है, एकदम सफेद रंग कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, आप बहुत खुश किस्मत हैं कि आपको इतना अच्छा रंग मिला है। यह सब सुनने के बाद हंस बोला, अरे किसने बोला कि मैं बहुत खुश हूं, यह मेरा रंग सफेद रंग बहुत अच्छा है। अरे सफेद कोई रंग भी रंग होता है, मरने के बाद का रंग है, मैं तो अपने रंग से बहुत दुखी हूं, कोई रस नहीं, बेरस है मेरा रंग, मुझे अपने रंग पे तो बहुत गुस्सा आता है और कितना भागा हूं कि मुझे यह रंग मिला। तो कौवा बोला, तो क्या आपको यह सफेद रंग पसंद नहीं है? फिर कौवा बोला कि तो फिर किसका अच्छा रंग है, कौन अपने रंग से खुश होगा? हंस बोला कि तोता, तोते का रंग एकदम सुंदर है, हरा रंग है। कौवा ऋषि के पास जाके बोला कि उसे तोते का रंग, उसे तोते के जैसा हरा रंग दे दीजिए, वह सफेद रंग से दुखी है। ऋषि बोले कि एक बार तुम
तोते के पास जाकर पूछ लो कि क्या तोता अपने रंग से खुश है कि नहीं। कौवा तोते के पास जाकर बोला कि तुम तो बहुत खुश होंगे, कितना सुंदर रंग है तुम्हारा, हरा रंग कितना सुंदर है, तुम्हें तो सब लोग अपने घरों में पालना भी चाहते हैं, कितना प्यारा लगता है ये रंग, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा रंग दिया है। तोता बोला, अरे किसने बोला तुझसे कि मेरा रंग अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या रंग है, सिर्फ एक रंग, वो भी हरा, मोर को देखो कितना सुंदर दिखता है, उसके पास कितने रंग बिरंगे रंगीन, कितना प्यारा दिखता है, लोग इसे देखने के लिए आते हैं, मेरा रंग तो पेड़ की पत्तियों जैसा है, कभी कभी तो दिखता भी नहीं, पता ही नहीं चलता है मैं बैठा भी हूँ कि नहीं, मुझे तो अपने रंग से बहुत चिढ़ आती है। कौवा ऋषि के पास जा कर के बोला कि उसे मोर के रंग का बना दीजिए, मोर का रंग बहुत सुंदर है। ऋषि बोले कि एक बार मोर से पूछ तो लो कि क्या वो अपने रंग से खुश है कि नहीं। कौवा फिर मोर के पास गया और मोर का रंग देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि कितना सुंदर रंग है, तुम्हारे सारे सुंदर रंग तुम्हारे शरीर पे भगवान ने दिया है, तुम कितने भाग्यशाली हो, लोग तुम्हारी सुंदरता देखने के लिए आते हैं और तुम्हें देख के बहुत खुश होते हैं। मोर बोला, अरे किसने बोल दिया तुझसे, मेरा रंग ही मेरे लिए अभिशाप है, मेरे रंग की वजह से ही लोग मुझे कैद करके चिड़िया घर में रखते हैं, और अगर मैं जंगल में रहूं तो बहेलियां की पैनी नजर मेरे पर हमेशा रहती है, न तो ठीक से जी पाता हूं और न ही मर पाता हूं, बहेलिया तो मुझे मार कर मेरे बालों का व्यापार करता है, मेरे बालों को नोच नोच कर 100-200 रुपए में बेचता है, कितनी दूभर मेरी जिंदगी है, सुंदरता ही मेरे लिए घातक बन गई है। कौवा बोला, तो फिर किसका अच्छा रंग है। मोर ने कहा, सबसे अच्छा रंग आपका है, न आपको किसी इंसान से डर है, न किसी पक्षी से डर है, न आपको कोई पकड़ के घर में पालेगा, ना ही आपको खाएगा, आपको किसी से भी डर नहीं है, सबसे अच्छा रंग आपका है काला, सबसे अच्छे आप हैं, आप तो एकदम आजाद हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। फिर कौवा ऋषि के पास आया और ऋषि से माफी मांगा और बोला, महाराज मैं अपना मूल भूल गया था। तो दोस्तों, इस कहानी का प्रेरणा है, हमें कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, तुलना करने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं रहता है, हमारे पास जो भी है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, हमें हमेशा भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें इतना सब कुछ मिला है। हर खुश दिखने वाला आदमी के जीवन में भी परेशानियां होती हैं, हर आदमी की अपनी अलग अलग परेशानियां होती हैं, खुद में अच्छाई है, उसमें और बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, लास्ट बात बता दें आपको, आप जैसे भी हो, गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, आप अच्छे हैं, आपको किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दो लोगों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।